सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ निखिल टेक्निकल। तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक वाटर टैंक अलार्म। तो गाइस ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके घर के लिए, अगर आप लोग घर पे टंकी यूज़ करते हो, यानी कि घर पे आप लोगों के टंकी है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैजेट है। एंड ये मार्केट वगैरह में मिलता है, बट गाइस उसमें डायरेक्ट एसी कंट्रोल रहता है। एंड इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज बनाया था जो कि डायरेक्ट एसी कंट्रोल था, जिसमें चार्जर यूज़ किया था मैंने। एंड कब गाइस वो चार्जर खराब हो जाए और आप लोगों को करंट भी उससे लग सकता है। तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं फुल्ली बैटरी ऑपरेटेड, यानी कि इसमें 1% भी करंट लगने का दिक्कत नहीं रहेगा, यानी कि आप लोग आराम से बिंदास यूज कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहे, एंड गाइस बिना इंट्रो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक BC547 ट्रांजिस्टर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है। आप लोग के आसपास का कोई भी लोकल शॉप पे ये मिल जाएगा, जहाँ पे टीवी वगैरह रिपेयर होता है तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो इसको। एंड गाइस इसके बाद से हम लोग लेंगे एक 5mm का LED, जो कि RGB LED है। आप यहाँ पर कोई एक कलर या फिर दो कलर का LED भी यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस इसके बाद से हम लोग लेंगे एक 1K का रेजिस्टेंस, जो कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। इसको हमें इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग में लगाना है। एंड गाइस इसके बाद से हम लोग लेंगे एक कॉपर वायर का पीस। तो गाइस एक पीस हमें यहाँ पे LED के पॉजिटिव में लगाना है, एंड ऐसा ही सेम एक और पीस हमें लेना है, तो वो हमें इस रेजिस्टेंस के दूसरे वाले लेग में लगाना है जो कि खाली है, और यही दोनों हमारा वाटर में जाएगा जो कि सिग्नल वायर का काम करेगा। एंड गाइस इसके बाद हम लोग लेंगे एक ब्लैक कलर का वायर, जो कि ट्रांजिस्टर के राइट साइड वाले लेग में जाएगा, जो कि पावर इनपुट होगा नेगेटिव का। एंड गाइस इसके बाद से हम लोग एक रेड कलर का वायर लेंगे, जो कि पॉजिटिव इनपुट होगा, जो कि LED के पॉजिटिव वाले वायर में जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो काफ़ी आसान सा कनेक्शन है, कुछ इस प्रकार से आप लोग बड़ी आसानी से घर पे कर सकते हो इसको। तो गाइस इसके बाद से हम लोग लेंगे एक पुरानी वॉच, देख सकते हो ये अलार्म वाला वॉच है। इसके अंदर बजर मिल जाएगा हमें, तो हमें बजर निकालना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये देख सकते हो यही है बजर जिसे हमें बाहर निकालना है। तो गाइस इस बजर के वायर को आप लोगों को तोड़ के नहीं निकालना है, वरना ये वर्क नहीं करेगा। इसको हमें मॉड्यूल के साथ रखना है, यानी कि जो मेन इसका मदरबोर्ड है उसके साथ रहेगा, तभी ये वर्क करेगा। तो इसके लिए गाइस हम लोग पूरा ओपन करेंगे, पूरा एकदम नीचे तक इसका मॉड्यूल भी साथ में निकालते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट से इसका मॉड्यूल भी निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इस मदरबोर्ड को इसके अंदर से निकाल लिया, जिसमें बजर भी अटैच है, देख सकते हो आप लोग। तो इसके वायर को नहीं तोड़ना है, नहीं छेड़ना है। मैं आप लोगों को इसका कनेक्शन बता देता हूँ पहले। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही आसान सा कनेक्शन, मैं आप लोगों को कनेक्शन इसका बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे ये बजर का पॉजिटिव है, इसके अंदर हमारा पॉजिटिव वायर आएगा जो कि इनपुट होगा पॉजिटिव। एंड गाइस यहाँ पे नेगेटिव होगा जो दूसरा होल है इसके बगल में। एंड ये वाला जो पॉइंट है ये अलार्म का है, तो इसके अंदर नेगेटिव देंगे तो अलार्म बजेगा, यानी कि दोनों को हमें शॉर्ट कर देना है। तो हम लोग जैसे ही पावर देंगे ये बजर ऑटोमेटिक वर्क करेगा। तो इस बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, चलिए मैं फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो, यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। एंड यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव इनपुट है वो हमारे LED के पॉजिटिव में जाएगा, एंड जो इसका नेगेटिव इनपुट है वो हमारे LED के नेगेटिव में जाएगा। बहुत ही आसानी से वर्क करने वाला है। तो गाइस ये देखते हो ये रहा इसका कनेक्शन, बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, आप लोग बड़ी आसानी से अपने घर पे कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप लोगों को इस अलार्म की जगह पे बजर यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमने LED में इसका पॉजिटिव नेगेटिव दिया था, वहाँ पे हम लोग कोई भी अदर बजर का दे देंगे तो ये आराम से वर्क करेगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो यहाँ पे फाइनली ये बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर देता हूँ इसको 3.7 वोल्ट की बैटरी से। तो जैसा कि गाइस मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था, ये बैटरी ऑपरेटर रहेगा, इसमें कोई भी हम लोग चार्जर या फिर पावर सप्लाई का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिए हैं, देख सकते हो यहाँ पे मैंने ग्लास में पानी ले लिया है। एंड अभी हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने पावर तो दे दिया है, तो चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट इसको ग्लास में डिप करते हैं इसके दोनों सिग्नल वायर को। तो यहाँ पे देखते हो गाइस इसको मैं जैसे ही ग्लास में डिप करता हूँ, यहाँ पे आप लोग आवाज़ सुन सकते हो काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे अलार्म का आवाज़ आ रहा है टिक 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 करके, आप लोग आराम से सुन सकते हो। मैं चुप हो जाता हूँ ज़रा। तो
जैसा कि हमने वीडियो में देखा काफी कमाल का वर्क करता है हमारा वाटर टैंक फुल अलार्म, एंड जिसमें मैंने क्लॉक का अलार्म यूज़ किया है। आप चाहो तो इसमें कोई भी बजर का यूज़ भी कर सकते हो, या फिर मार्केट में काफी सारे अलग अलार्म भी आते हैं उनका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो गाइस बस यही था वीडियो, वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए इस वाले निखिल टेक्निकल चैनल को। मैं मिलता आप लोग नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब लोग बाय, टेक केयर, चैन वंदे मातरम।